खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड पहुंचे। शांतिवन पहुंचने पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बल्के चंदिका समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एक स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अमन चयन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए व्यक्तिगत और प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पूरे विश्व को शांति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं की नीति भी पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने के बाद ये महसूस हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आकर शांति और बदलाव के लिए राजयोग सीखना चाहिए। यहाँ की राजनीति को भी जरूर आना चाहिए ताकि वे जीवन और नेतृत्व के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी सरकारों को ऐसा कानून बनाना चाहिए या कोई ऐसा सबको एक संदेश देना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब पे लोग हैं वो यहाँ आके प्रेरणा लें, हफ्ते का कोर्स करें, क्योंकि शांति जब मन को होगी तो आप देश की तरक्की, देश का विकास, मानवता की रक्षा, किसी का बुरा ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी की बददुआ ना लें, किसी को दुखी ना करें, वो कर सकते हैं। प्रेरणा नहीं है तो फिर अहंकार में है, क्रोध में है। जो यहाँ ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में, दादी माँ की, बहनों के आश्रम में यही चीजें सिखाई जाती, ये निचोड़ है जिंदगी का। जिसने ये समझ लिया कि शरीर क्या है, मन क्या है, कुदरत क्या है, भगवान क्या है, आज नहीं तो कल जाना है, किसी को तकलीफ ना दे, सीख लिया तो उसका मन फिर फास्ट चलता जाएगा कि मैं इस मातृभूमि को मानवता के लिए मैं आगे बढ़ाऊं, सेवा करूं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे एक एक को कहें भी चलो भी जाके आप गुड़गांव कोर्स करो, आप यहाँ करो, आप मानवता के लिए कुछ सीख के आओ, ये सरकार की तरफ से होना चाहिए।